इसका आंसर आएगा सेल्स डे बुक, ठीक है, 12। ये तो हमने कर लिया ना लास्ट क्लास में, ये तो नहीं, ये 12 का आंसर बताएं। 112। ये आंसर ठीक, कैश सेल्स कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी और क्रेडिट सेल्स सेल्स दे रहे। 13। थर्टीन का आंसर ठीक है जी, सेल्स सेल्स अकाउंट, सेल्स की बात हो रही है ना, सेल्स अकाउंट की। सेल्स डेबिट होती है, क्रेडिट क्रेडिट होती है। नेट अमाउंट आता है, ग्रॉस अमाउंट क्या लिखते हैं, सेल्स जो क्रेडिट करते हैं वो नेट अमाउंट से कहते हैं, ग्रॉस से। अब एंट्री बनाइए, देखें जरा सेल्स की एंट्री चेक करें जो भी मैंने लिखवाई है। अभी हमने सेल्स की एंट्री बनाई, भूल गए, सेल्स में नेट अमाउंट आता है ना, देखिए जरा, सेल्स क्रेडिट होंगी नेट अमाउंट से, ठीक है। तो याद रख लेंगे, सेल्स सेल्स रिटर्न, परचेज परचेज रिटर्न नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करते हैं, बाकी अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल ग्रॉस से रिकॉर्ड होते हैं ना। रिसीवेबल पेबल ग्रॉस से रिकॉर्ड होंगे, सेल्स सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, सेल्स हमने क्रेडिट की थी नेट अमाउंट से, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया नेट अमाउंट से, परचेजेस को डेबिट किया नेट अमाउंट से, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गई नेट अमाउंट से, ठीक है। सिर्फ रिसीवेबल और पेबल रिकॉर्ड होंगे ग्रॉस अमाउंट, ठीक है। रिसीव हम ग्रॉस करते हैं कस्टमर से और सप्लायर को भी पे ग्रॉस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेल्स क्या होंगी, क्रेडिट, और नेट अमाउंट से क्रेडिट करेंगे तो आंसर बताएं क्या होगा। 13 का आंसर, बी, हाँ बी आंसर हो जाएगा, क्रेडिट होगा और एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स, ठीक है। बी आंसर 14। कैश सेल्स कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। अच्छा अब ये बताएं, 15। अच्छा ये हमने 1600 नेट अमाउंट के गुड सेल किए हैं लियोसेट पीएलसी। अच्छा पीएलसी की फुल फॉर्म होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा ये ऑप्शन में ये लिखा हुआ है डीआर, मतलब ये डेबिट है ना, डेबिट डेबिट, और ये डेबिट है सीआर क्रेडिट। सर उसमें कंप्लीट एंट्री बनानी है आपको क्रेडिट सेल्स की। सी, अभी सेल्स की एंट्री बनाई हमने, देखें जरा अभी सेल्स की एंट्री बनाई है, उसको देखकर बताएं आंसर क्या होगा। सी होगा। अच्छा यहाँ लियोसेट पीएलसी मतलब अकाउंट्स रिसीवेबल ना, जैसे ये देखें ऑप्शन ए में से लिखा है डेबिट लियोसेट पीएलसी, तो ये मतलब मीन्स अकाउंट रिसीवेबल, उसने रिसीवेबल की जगह नाम यूज किया। हाँ क्या आंसर होगा, बी। अच्छा बी आंसर, पीछे आप लोग अभी एंट्री बनाई, क्या हो गया, हम लोग सेल्स की एंट्री बनाई हमने, ये क्या एंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट ग्रॉस अमाउंट से, सेल्स क्रेडिट नेट अमाउंट से, वैट क्रेडिट वैट के अमाउंट। इसका वैट कितना कैलकुलेट किया आपने, वैट कितना आ रहे, 105 आएगा, ठीक है। तो रिसीवेबल डेबिट होंगे ग्रॉस अमाउंट से ना, तो 600 प्लस 105 तो 705। सेल्स क्रेडिट होंगी, सेल्स टैक्स क्रेडिट होगा 105 से, और सेल्स क्रेडिट होंगी 600 से नेट अमाउंट। बी आंसर हो जाए, बी, तो करेक्ट आंसर बी, रिसीवेबल डेबिट ग्रॉस अमाउंट,
सेल्स टैक्स क्रेडिट सेल्स टैक्स अमाउंट से, और सेल्स क्रेडिट होंगी नेट अमाउंट। ठीक है। अच्छा अब ये 16 116, तुमने लास्ट क्लास में किया था, फिर से क्वेश्चन किए थे ना लास्ट क्लास में। सर ये वाला नहीं है। ओके। इसमें सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है आपको। इनवॉइस बनाते वक्त सेल्स टैक्स कितना चार्ज होगा? ये आएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले डिस्काउंट माइनस करेंगे 1325। इसका डिस्काउंट कितना है? 20%। 265 डिस्काउंट बन रहा है ना, तो आप 1325 में से 265 माइनस करते हैं, और इसके बाद इसका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा 10%। आंसर आएगा 106। ठीक है, तो सेल्स टैक्स डिस्काउंट माइनस करने के बाद कैलकुलेट होता है। तो क्या अब ये 17 सेम क्वेश्चन है। जी, इसमें पहले वही 10% माइनस करेंगे और उसके बाद 15% टैक्स आ जाएगा ना, तो 12,000 का 10% होगा 1200। डायरेक्ट लिख लेते हैं ये 1200, और इसका 15% वन सिक्स टू जीरो बी आंसर। ओके, 117 हो गया। ठीक, 118, 118। ठीक है, सी आंसर होगा। और 19, 119। नाइन्टी फाइव। ठीक, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। ओके, अब ये बताओ 120। अच्छा, 414 इंक्लूसिव दिया हुआ, ठीक है, यानी कि ग्रॉस अमाउंट है। और व्हाट इज द एंट्री टू सेल्स अकाउंट? अच्छा, सेल्स डेबिट होती है, क्रेडिट क्रेडिट होंगी, सेल्स क्रेडिट होती है ना, तो इट मींस आंसर बी या डी में से आएगा। बी या डी, डी होगा। अब देखिए, सेल्स जो क्रेडिट हम करते हैं नेट अमाउंट से करते हैं ना, तब इसका हमें ग्रॉस गिवन है तो नेट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। तो डायरेक्ट अगर नेट अमाउंट कैलकुलेट करने हैं तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड करेंगे 115 से, तो डायरेक्ट आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगा 360। तो आंसर होगा बी। अच्छा, दूसरा तरीका क्या, पहले आप इसका सेल्स टैक्स निकाल लें, वो माइनस कर दें तो भी नेट आ जाएगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेल्स टैक्स के लिए मल्टीप्लाई करें 17.5 से, डिवाइड करेंगे 115 से, तो ये सेल्स टैक्स आ गया 63। हाँ, 15 और डिवाइड 115 सेल्स टैक्स आ गया 54। अब 414 में से 54 माइनस करते हैं तो भी 360 आ गया। डायरेक्ट कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 115 360।
बी आंसर होगा करेक्ट। अच्छा ये कहा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताए। 121 121 सी 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 आंसर सी आंसर कह रहे हैं आप लोग जी। आप लोगों का जी आंसर अच्छा सी आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है। आप बताएं, सी आंसर नहीं है इसका। आप बताएं, रिक्वायरमेंट गौर से पढ़ें, क्या लिखिए रिक्वायरमेंट पढ़ें गौर से, इसलिए मार्क्स कम आते हैं। हम लोग रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ते। रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज की डबल एंट्री है? रिसेप्ट की बनानी है, सेल्स की एंट्री नहीं बनानी। सी आंसर थोड़ी है। अच्छा पहले हमने सेल्स की एंट्री बनाते ही करवाता हूँ सर। नंबर क्या था, 121 है। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स टैक्स क्रेडिट। ठीक है। अच्छा डेबिट कितने से होगा और रिसीवेबल डेबिट कितने से होंगे? इसमें ग्रॉस कितना है? 282 ग्रॉस है ना। अच्छा नेट अमाउंट कितना है? 240। इसका डिफरेंस आ जाएगा 42, हो जाएगा सेल्स टैक्स। ये तो एंट्री हो गई क्रेडिट सेल्स की। अब गुड्स हमने सेल कर दी, अब जब कैश रिसीव होगा तो क्या एंट्री बनाएंगे? कैश डेबिट 282 और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 282। तो पहली वाली एंट्री सेल्स की है और दूसरी एंट्री रिसेप्ट की बनेगी। तो अब रिक्वायरमेंट क्या थी इसमें? डबल एंट्री टू रिकॉर्ड रिसेप्ट। आंसर क्या होगा? डी, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, क्लियर। तो रिक्वायरमेंट गौर से पढ़ा करें। ओके 122 122 डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट। अभी हमने टी अकाउंट बनाया था, इसका जो डेबिट बैलेंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डेबिट बैलेंस जी, वेट का जो डेबिट बैलेंस है ये क्या शो कर रहा है? एसेट यानी कि रिफंडेबल ना। ठीक है, डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? रिफंडेबल एसेट। आंसर क्या होगा? व्हाट डज द डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट? रिफंडेबल जी, तो सी सी सर, इधर सी। अच्छा डी किसका आ रहा है? आप लोग अब सिर्फ गेम्स में इंग्लिश का है। अब डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? रिफंडेबल। ठीक है, अब बता दें जरा, यहाँ पर आपकी इंग्लिश चेक हो जाएगी। अब
किस सेंटेंस का मतलब रिफंडेबल बन रहा है? सी सी का सी। इधर आप लोग, हाँ देखिए करेक्ट आंसर है इसका सी। एमिंग क्या लिखा है? एन अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ओइंग टू द टैक्स अथॉरिटीज। तो ओइंग टू मींस पेबल, लाइबिलिटी हो गई है। तो सेल्स टैक्स एक्सपेंस टू बी रिटन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं, ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए सेल्स टैक्स एक्सपेंस नहीं होता, इनकम स्टेटमेंट में चार्ज नहीं करते, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अच्छा सी में एन अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ड्यू फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटी। तो ड्यू फ्रॉम का मतलब रिसीवेबल, रिफंडेबल, लेना है। तो सी आंसर होगा सेल्स टैक्स इनकम टू बी इंक्लूडेड। अच्छा सेल्स टैक्स इनकम तो होती नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो सी आंसर है ड्यू फ्रॉम मीन्स रिसीवेबल, रिफंडेबल। अच्छा अभी है 123, इसमें ये सॉल्व करें 123। सॉल्व करवाता हूँ, क्या कौन बनाएंगे इसमें? यहाँ से एक फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 123। अकाउंट रिसीवेबल, ओपनिंग बैलेंस कितना है? स्टार्ट ऑफ द मंथ रिसीवेबल है 4529, 4529। अच्छा उसके बाद टोटल सेल्स हैं 16,540, ऑफ विच 40% वर फॉर कैश। तो कैश सेल्स माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ लिखते हैं 16,540 और इसका 40% कैलकुलेट करें, 6616 माइनस कर दें, 9924 आ रहा है ना, डबल 9924। तो ये हो जाएंगे आपकी क्रेडिट सेल्स। ठीक, तो रिसीवेबल्स डेबिट हो जाएंगे 9924 से। इसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम रिसीवेबल्स है 7231, ये क्रेडिट होगा 7231। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। राइट, अब टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड का। टोटल 14453, 14453। अब इसमें से डेबिट साइड, क्रेडिट साइड माइनस करें, कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 7222, डी आंसर होगा करेक्ट जी। कौन मसला कर रहे? हाँ रिसीवेबल डेबिट होता है ना, तो जब सेल करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट, और जब कैश रिसीव करते हैं तो कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो सेल्स में रिसीवेबल डेबिट होता है और कैश रिसीप्ट के टाइम पे रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है। ठीक, तो सिंपल सा अकाउंट बनाना था इसमें। अच्छा कॉपी कर लिया। यस सर। नेक्स्ट 124। डी, आपका आंसर डी आ रहा है, बाकी सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 124।
इसमें भी रिसीवेबल अकाउंट बनेगा। इनके ये वैल्यूज हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग 5329 डेबिट, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है 4771, ठीक। अब यहाँ सेल्स कितनी हो रही है? 69,200 प्लस सेल्स टैक्स। अच्छा, ये 69,200 नेट अमाउंट है या ग्रॉस अमाउंट है? नेट है, क्योंकि लिखा हुआ है कि नेट प्लस सेल्स टैक्स ग्रॉस होता है ना। अब इसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 69,600 कितना परसेंट है? 15। टैक्स कितना बन रहे हैं? कितना? ठीक है। अच्छा, इसकी एंट्री क्या होगी अब सेल्स की? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट और सेल्स टैक्स 10। आंसर नहीं, टैक्स इसका 10380, 380। अच्छा, अब यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं पहले, डबल एंट्री। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होंगे कितने से? नेट अमाउंट आएगा, ग्रॉस आएगा? रिसीवेबल्स डेबिट हम नेट से करते हैं, ग्रॉस से करते हैं? ग्रॉस आता है ना। अच्छा, अब नेट अमाउंट कितना है यहाँ पर? 69,600। वैट हमने कैलकुलेट किया 10,380, दोनों को ऐड करें 79,580। ये ग्रॉस अमाउंट आ गया ना। तो रिसीवेबल्स डेबिट होंगे 79,580 से, सेल्स क्रेडिट होंगी नेट अमाउंट से, और सेल्स टैक्स क्रेडिट हो जाएगा सेल्स टैक्स के अमाउंट से, ठीक है। हम बना रहे हैं रिसीवेबल अकाउंट, तो रिसीवेबल डेबिट कितने से हो रहे हैं? 79,580, 79,580 सर डेबिट हो गए। अब फाइन क्या करना था? कैश रिसीव, उसकी डेबिट साइड का टोटल करें। 84,909, 84,909। अब इसमें से 84,909 में से ये कैरी डाउन माइनस कर दें 4771, तो आपके पास कैश रिसीव्ड आ जाएगा। फिर आंसर 8499 कितना आया? 8801 38। डी आंसर आएगा इसका, तो करेक्ट आंसर होगा डी। सर ये 10380 आपने 15% लिखा है ना? हाँ, ये इसका 15% लिखा, कैसे होता है? मुझे नहीं पता, आप लोग ने बताया, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। फोर मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप लोगों ने बताया मुझे। चेक कर लेते हैं, 69600 मल्टीप्लाई बाय 15, अमाउंट गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, 69200। तो नहीं, अमाउंट चेंज करते हैं। अब कितना बन रहा है टैक्स? इतना बनेगा, ठीक है। अच्छा, टैक्स वही बन रहा है, मैंने वहां सिर्फ अमाउंट में गलती की थी, बाकी तो। और ये टोटल अभी चेंज हो जाएगा शायद, सब ये सेम है। अच्छा सर, ठीक है जी, बाकी सब सेम है। आंसर आपने बता दिया, वो सही बता दिया, मैंने लिखा गलत बता दिया, हाँ कैलकुलेट नहीं किया ना, ठीक है। तो आंसर वही आएगा डी, 80,138। अब एक चीज याद रखें, देखिए, एक टी अकाउंट बनाकर हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ टी अकाउंट से क्लोजिंग बैलेंस ही निकलता है, टी अकाउंट बनाकर कोई भी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। जैसे कि हमने कैश फाइंड किया, तो आपसे वो क्वेश्चन में कह सकता है कि सेल्स फाइंड करें, सेल्स कितनी है, फिर क्या करेंगे? अगर आपको सेल्स फाइंड करनी है तो क्या करेंगे? टी अकाउंट से सेल्स फाइंड करनी हो तो अब इसमें क्या होगा? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल हम लिखेंगे डेबिट साइड पर, तो इसमें से ये बैलेंस बीडी माइनस करेंगे, तो आपके पास सेल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सर, एक टी अकाउंट बनाकर आप कोई भी मिसिंग ट्रिगर फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक टी अकाउंट बनाकर आप बैलेंस के अलावा कोई और फिगर भी फाइंड कर सकते हैं।
नहीं, दो सीडी वाले नहीं आएंगे। क्लियर? ओके। अच्छा आप ये बताएं, 125 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आसान है।